दोनों ही सलामी बल्लेबाज धीरे धीरे पिच की ओर बढ़ते हुए। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करती हुई इस वक्त ज़ैलिस स्पोर्ट, दोनों ही सलामी बल्लेबाज पिच पर। खिजर रईस आए ओपन के लिए और साथ में तकदीर माली। देखना है तकदीर की तकदीर कितनी चलती है इस मैदान पर एकता ट्रॉफी 2019 में। बिल्कुल समय के मामले में सहयोग करना है अथवा बैटिंग आपको ही बाद में करना है नाना स्पोर्ट्स, बैड लाइट की कोई अपील नहीं होंगी यहाँ। थैंक यू नबील देवकर। देखिए समय में कॉपरेट करना है, जबकि पंकज भुईर हमारे बीच हैं, आपका इस्तकबाल है। तारिक रईस साहब सेकंड प्राइज स्पॉन्सर, मोस्ट वेलकम। डैशिंग डायनामिक टू ओपनर्स ऑन द ग्राउंड तकदीर माली एंड खिजर रईस, दीज टू आर द ओपनर इज गोइंग टू बी जयेश वखारे। सचिन पवार जो कि बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि समय में कॉपरेट करें, आपको चेस करना है। जयेश वखारे बॉल एक्सेलेंट इन सरपंच एंड उप सरपंच कप। फर्स्ट बॉल टू तकदीर माली, कैच दैट बॉल ब्यूटिफुली थ्रू द पॉइंट फॉर फोर, ग्रेट शॉट फ्रॉम माली। बहुत ही खूबसूरत शॉट खेला था, वहाँ पर बैक फुट पे चले गए थे और गैप ढूंढा, चार मिले पहली गेंद पर। ग्रेट क्लासिकल स्ट्रोक फ्रॉम तकदीर माली ऑफ द मार्क विथ फोर एंड जैलीज फोर फॉर नो विकेट। ब्यूटीफुल इवनिंग इन एकता ट्रॉफी 2019, द मैच बिटवीन नाना स्पोर्ट एंड जैलीज। सचिन पवार प्लेइंग फर्स्ट मैच इन सिटी क्रिकेट विकेट कीपिंग। टुमारो द फर्स्ट मैच बिटवीन धनेश कुकसे एंड महेंद्रा। दिस टाइम फाइन कम बैक, ट्राई टू कस एक्स्ट्रा बाउंस एंड एक्स्ट्रा पेस बी सिम आउटसाइड द ऑफ स्टंप। अच्छी गेंद, अच्छी वापसी की वहां पर दूसरी गेंद पर जयेश ने। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, दिस टाइम क्लोज हिज बॉडी, टैप डैश बॉल टू डीपीश गाली। इनफ टाइम बैट्समैन गेस वन, अबू साद इज देयर, वन मोर टू टोटल नाउ फाइव फॉर नो विकेट। दो अच्छी गेंदें, एक बाउंड्री मिलने के बाद अच्छी वापसी की है वहां पर जयेश वखारे ने। फरजान अब्दुल्ले ज्वाइनिंग फ्रॉम सऊदी अरबिया, कॉम्प्लीमेंट फॉर एकता ट्रॉफी 2019 एंड कॉन्ग्रेट्स टू साइंस स्पोर्ट एंड दीपक मडवी। सुपर इंडियन तलोली रोहित जादव, ऑल द बेस्ट फॉर जैलिस तलोली। जयेश वखारे बस टू खिजर, फाइन डिलीवरी बी सिम आउटसाइड ऑफ स्टंप, बॉल इज कीपिंग लो, लवली बॉल इंडीड, दैट वाज अ रॉन्ग वन फ्रॉम लेफ्ट आर्म पेस अटैकर। गेंद में उछाल भी नहीं था जितना अनुमान लगाया था बैट्समैन ने, और उस छोर से जब भी गेंदबाजी की जा रही है तो विकेटों में कुछ ना कुछ हरकत तो हो रही है। यस, लॉट ऑफ असिस्ट इन विकेट फॉर बॉलर व्हेन दे बॉल फ्रॉम फार एंड साइड लाइक क्रून एंड साइड। दिस टाइम पंच डैश बॉल दे थ्रू फॉर अ क्विक सिंगल, वन मोर टू टोटल नाउ एंड स्कोर वाज अप टू सिक्स। खिजर रईस ऑफ द मार्क विद सिंगल। अच्छी फील्डिंग वहां पर, अगर गेंद छूट जाती तो फिर बाउंड्री लाइन पर जरूर जाती। शंकर कानेकर ऑल द बेस्ट फॉर सचिन पवार, हु इज द फर्स्ट मैच इन सिटी क्रिकेट टुडे, ऑल द बेस्ट फॉर राजू एंड बाबू। दिस टाइम वंस मोर ट्राई टू कट,
wasn't a width given by bowler. Ball is managed, played only in covers for a single. That marks excellent overturn from Jayashwakare. Given away only 7 runs. Ek over 7 run. Middle conference isle na kare ke nana aapko hi ballebazi karna hai. Nana Sport, Tiger of Temgar, Satish Chaudhary Fam Team aur Jalis, hamare second prize sponsor, Tariq Reis Fam Team. Raju aur Babu ko JD Ansari ne all the best kaha hai. साइंस स्पोर्ट कारबाओ के कैप्टन प्रणय पाटिल, आपको शाहिद खान से आके मिलना है। कासिम बाबू रफ्तार के सौदागर, यासिर शेख, कासिम बाबू, कई नाम है, उसामा जिलानी, संतोष मडवी, किरण पाटिल, किशन मात्रे, ये तमाम गेंदबाज रफ्तार पे विकटे लेते हैं। कासिम बाबू छोटे रन अप से पहली गेंद खींच के मारा है फील्डर से दूर, यश के लिए मौका नहीं, वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन, 4 रन। टिपिकल तकदीर माली स्ट्रोक। ये बहुत ही जज्बाती खिलाड़ी हैं वीरेंद्र सहवाग, जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ज्यादा नहीं रुकते हैं। ये देखिए खींच के मारा, क्रीज में पीछे खेल रहे थे, अहमश भले रहे ज्यादा नहीं रुकते हैं, देर तक इंतजार नहीं करते, वैसा तकदीर माली भी है। बिल्कुल बढ़िया शॉट गैप में खेला था, जानते मैंडेटरी पावर प्ले है उसका, जितना लाभ उठा लिया जाए उतना आगे चलकर उनकी टीम के लिए उनके अपने लिए फायदेमंद होगा। 11 पे पहुंचा है स्कोर। कासिम बाबू राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए तकदीर के लिए, ओ बढ़िया गेंद, अच्छा उछाल, बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर। दिनेश अशोक कदम ने सचिन पवार को ऑल द बेस्ट कहा है। कासिम बाबू तकदीर के लिए उछाल दिया गेंद को दूर कहीं मिड विकेट पर, 6 रन। नीट एंड क्लीन पिकअप, आसमानी टोला गेंद को भेज दिया तारामंडल में, 6 रन। बिल्कुल काफी महंगे साबित होते हुए इस वक्त कासिम बाबू मैंडेटरी पावर प्ले के दूसरे ओवर में, और अच्छी बल्लेबाजी की जा रही है दोनों बल्लेबाजों के बीच। विनोद गौतम ने नाना स्पोर्ट्स को ऑल द बेस्ट कहा। इस सीजन में कासिम बाबू ने बहुत किफायती गेंदबाजी की थी हर कप में, लेकिन यहाँ तकदीर माली कुछ अलग ही ठान के आए हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट, स्मृतापा बल्ले के अंदर लगी है, गेंद डीप में गई है, 1 रन बना है और एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। ये वही तकदीर माली है जब मेयर कप 2008 में बीसीसी और मराठी भाना का मैच हो रहा था, आखिरी ओवर तकदीर माली के हाथ में दिया गया था। मैंने देखा, कहा था कि देखना है तकदीर माली मराठी भाना का साथ देते हैं या तकदीर बीसीसी का साथ देती, हालांकि वो मैच बीसीसी हार गई थी। पिछले साल मैन ऑफ द सीरीज रहे थे खासदार कप मणकोली में। इस मरतबा ड्राइव किया गेंद को हवा में, बढ़िया फील्डिंग यश पाटिल की, दूर खेले थे शॉट को, 1 रन स्कोर में आता हुआ 19 पे पहुंचा स्कोर जैलिस का। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, कैप नहीं ढूंढ पाए थे लेकिन बढ़िया फील्डिंग यश की। कासिम बाबू राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए तकदीर को लॉफ करने की कोशिश, लेकिन कैच तक नहीं पहुंच पाए खिलाड़ी, ओवर समाप्त होते हुए 2, कुल स्कोर है 20 बिना कोई विकेट के। फील्डिंग तुरंत सजाना है,
अगले दौर के लिए माइक्रोफोन पे इफ्तिखार अहमद। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंडेटरी पावर प्ले में बहुत ही अच्छी शुरुआत हो चुकी है। दो ओवर के बाद टोटल स्कोर है 20। समय के लिए कॉपरेट करें क्योंकि लक्ष्य का जो पीछा है वह आपको करना होगा। अब कहीं ना कहीं थोड़े से चिंतित हैं, लेकिन मैंडेटरी पावर प्ले में दो ओवर में जितने रन होने चाहिए थे उतने नहीं हैं। हमारे प्लेस पवेलियन स्पॉन्सर काशिफ मुरुमकर और पापा मुकरी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। आपका इस्तकबाल है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको वीआईपी डाइस पे आना है। मोस्ट वेलकम काशिफ एंड पापा। समय में कॉपरेट करें प्लीज। तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं बंडी, सामना करेंगे बैट्समैन। सामना कर रहे हैं तकदीर माली बंडी का। पहली गेंद काफी बाहर थी, कट किया उसे गैप में, दूर का सफर है लेकिन अच्छी फील्डिंग, दो रन बचाए अपनी टीम के लिए। यश पाटिल पहुंचे थे गेंद पर, जब तक फील्ड करके थ्रो करते मौका था दो पूरा करने का, जो पूरा भी किया। स्कोर जा पहुंचा है 22 पर। आज के दिन का यह आखिरी मुकाबला आप देख रहे हैं। बंडी, उनकी ये गेंद इस मरतबा उछाल नहीं था गेंद में, अनुमान जितना लगाया नीचे से निकल गई गेंद डॉट की शक्ल में। स्कोर अभी भी रुका हुआ 22 पर। बंडी एक बार फिर, उनकी ये गेंद दूर रख रहे हैं बैट्समैन से। अच्छी गेंदबाजी। इस वक्त दिनेश चौधरी जो हमारे स्पॉन्सर हैं और सोना देवी टीमगढ़ के भी स्पॉन्सर हैं, उन्होंने नाना स्पोर्ट्स को और जैलिस दोनों को ऑल द बेस्ट कहा है, लेकिन स्पेशली सचिन पमार जो वापस आ गए हैं सिटी क्रिकेट में, उनको ऑल द बेस्ट कहा है। इस बीच अगली गेंद बल्ले का मोटा सिरा लेकर गई थी, एक रन। काशिफ मुरुमकर और पापा मुकरी साहब, आपसे रिक्वेस्ट है, आपको वीआईपी डाइस पे आना है। काशिफ मुरुमकर और पापा मुकरी प्लीज। स्कोर जा पहुंचा है इस वक्त 23 पर, बिना किसी विकेट के नुकसान पर। ये वीआईपी डाइस हमने अपने स्पॉन्सर के लिए बनाया है। मोस्ट वेलकम पापा मुकरी एंड काशिफ मुरुमकर, डगआउट स्पॉन्सर। ये आप उनको देख सकते हैं अपने टीवी मॉनिटर पे, शाहिद खान उनको लाते हुए। मोस्ट वेलकम। तीसरे ओवर का खेल चल रहा है और अभी भी जो रन होने चाहिए थे वो हुए नहीं हैं। बड़े शॉट की कोशिश है। आसिर रईस ने इस वक्त जैलिस को ऑल द बेस्ट कहा है। बंडी, उनकी ये गेंद बढ़िया गेंद आगे की तरफ रखा, फुलर लेंथ की गेंद, समझ नहीं पाए बैट्समैन, डॉट गेंद। खीजर की बहुत कड़ी परीक्षा ली जा रही है, चार गेंदों का सामना किया है, दो रन बनाए खीजर रईस ने। बंडी एक बार फिर खीजर के लिए, इस मर्तबा काटा लेकिन पढ़ लिया हवा में, यश नीचे जाना होगा बैट्समैन को। बहुत अच्छे फील्डर हैं यश पाटिल, बहुत आसानी से कैच को पकड़ा है। देखिए एकता ट्रॉफी में रंग भरने वाले तीन स्पॉन्सर इस वक्त वीआईपी की जिनत को दोबाला कर रहे हैं। सेकंड प्राइज स्पॉन्सर डैशिंग डायनामिक तारिक रईस, और डगआउट स्पॉन्सर और एक्स कैप्टन तलोली के पापा मुकरी और काशिफ मुरुमकर। हम एकता ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने ताउन देकर एकता ट्रॉफी कलर्स ऑफ क्रिकेट एंड कलर्स ऑफ एकता में रंग भराए। ये आप उनको देख सकते हैं, पापा मुकरी, अफसर रईस, काशिफ मुरुमकर
और ये खूबसूरत चेहरा स्पॉन्सर दुनिया का तारिक रईस। बगल में आसिफ चिमनाट है, जेश वखारे को बुलाया है चौथे ओवर के लिए। देखिए कासिम बाबू पहले ओवर में महंगे साबित हुए थे और सचिन पवार टीम में जब आए हैं तो उनके पास बहुत अच्छा अनुभव है। उन्होंने यही कारण है कि विकेट नहीं गिर रहा है, अपने मेन फ्रंट लाइन बॉलर जेश वखारे को बुलाया। बिल्कुल, तीन ओवर की समाप्ति, स्कोर है 23 एक विकेट के नुकसान पर। जयेश वखारे गेंदबाजी के लिए तैयार, वीआईपी एंड से समय के लिए कॉपरेट करें। जयेश पहली गेंद पटकी हुई, उठा दिया हवा में, ऊंचाई है लंबाई नहीं, सेफ लैंडिंग, दूसरे के लिए पलट गए, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, दो पूरे। देखिए मिस टाइम स्ट्रोक था हरेश केने का, टीम के कैप्टन है, बहुत अच्छे स्ट्रोक प्लेयर हैं, बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर से खींचा था। एक और झटका लगता हुआ इस वक्त टीम के कैप्टन आउट हो गए हरेश केने, नए बैट्समैन साहिल आए हैं बल्लेबाजी के लिए। स्ट्राइक पर है तकदीर माली, सामना करेंगे जयेश वखारे का वीआईपी एंड से। उनकी ये गेंद नो घोषित किया और स्टेप का वहां पर फारूक बर्डी सर ने, हालांकि बहुत खूबसूरत गेंद थी, कॉरिडोर अनसर्टिनिटी से पहुंची थी विकेट कीपर के पास, बहुत ही खूबसूरत गेंद थी, लेकिन ओवर स्टेप कर बैठे वहां पर जयेश वखारे, बहुत आगे निकल गए थे। दो अच्छी गेंदें करने के बाद एक खराब गेंद, जयेश उनकी ये गेंद इस मरतबा खींच लिया है गेंद को बल्ले पर लेकर एक रन, मिड विकेट में गेंद थी, बलवंत दलवी थे वहां पर, बढ़िया फील्डिंग उनकी। देखिए नाना स्पोर्ट्स के पास बहुत मजबूत बल्लेबाजी, इसको भूलना नहीं चाहिए, मुकेश है, बलवंत है, यश है, सचिन पवार हैं, बहुत ही मजबूत बल्लेबाजी है। बिल्कुल सिद्दीक सर, रन बनाने होंगे आपको, और आपको तो पता होगा कि मातोश्री में मराठा पंजाब के सामने अच्छा चेस कर रही थी, इस मरतबा घूम के खेल दिया है और गेंद को घुमा दिया है छह रनों के लिए। साहिल जूनियर ने इस शॉट को खेला है, जिन्होंने मातोश्री कप में भी 39 रनों की बहुत बढ़िया बारी खेली थी जॉय कुमार में। साहिल जूनियर मैन फ्रॉम डोले। अब स्कोर बुक तेजी से बढ़ता हुआ 33 पे जा पहुंचा है। अजय पाटिल भड़ोड़ी ने इस वक्त ऑल द बेस्ट कहा है नाना स्पोर्ट्स को, बहुत अच्छे बैट्समैन है अजय पाटिल। चौथी ओवर का खेल इस वक्त प्रगति पर, जयेश वखारे थोड़े से महंगे साबित होते हुए, अपने पहले ओवर में उन्होंने दिए थे 7, हालांकि कोई विकेट नहीं मिला था। इस मरतबा स्विच हिट किया, गैप में मिलेंगे 4। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, ग्रेट शॉट, पहले ही मन बना लिया था वहां पर साहिल जूनियर ने, हालांकि डोले टीम के लिए इस ट्रॉफी में वो खेल चुके हैं। ये देखिए बहुत खूबसूरत स्विच हिट, देखते रह गए वहां पे खिलाड़ी, गोली की रफ्तार से बंदूक के निकल गई गेंद, 4 रन। दो गेंदों का सामना किया, 10 रन बटोर लिए वहां पर साहिल जूनियर ने। ये समय रहता है एकता ट्रॉफी में जब यहाँ से गेंदबाजी होती है तो स्क्वारिश थर्डमैन और बैकवर्ड पॉइंट का इलाका है
ऑस्ट्रेलिया में इस समय में सीगल आते हैं और एकता ट्रॉफी में मुर्गियां दस्तक देने आ जाती है। बालाजी कदम ने इस वक्त सचिन पवार को ऑल द बेस्ट कहा है। सचिन पवार के लिए काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन नाना स्पोर्ट की स्थिति इसलिए नाजुक है, आखिरी मुकाबला है, 37 रन हुए हैं, रन जितने ज़्यादा होंगे उतना महंगा पड़ सकता है यहाँ पर चेसिंग में नाना स्पोर्ट्स को। बिल्कुल, रनों की रफ्तार को रोकना होगा, लेकिन वहीं जायलीस चाहेगी कि रन बटोरे जाएं, बड़ा लक्ष्य दिया जाए ताकि मुकाबला आसानी से जीता जाए। इस मरतबा नो गेंद, बीमर 6 रन, खराब गेंदबाजी। ये समय बीमर करने का नहीं है। कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी हो चुकी हैं नाना स्पोर्ट्स की। जयेश वखारे काफी महंगे साबित होते हुए अपने स्पेल के दूसरे ओवर में। देखिए, अब सचिन पवार नाराज हैं, जबकि इस एकता ट्रॉफी के गिफ्ट एम्पर, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर और मैन ऑफ द सीरीज सिटी पूल में स्पॉन्सर करने वाले टीमगढ़ के उद्योगपति महेश चौधरी ने सचिन पवार को ऑल द बेस्ट कहा है। लेकिन सचिन पवार इस ओवर से नाखुश है, क्योंकि इस तरह के रन बनाना मानो दबाव आ जाएगा चेसिंग पे। यहाँ तारिक रईस काफ़ी खुश हैं जिस तरह साहिल जूनियर बल्लेबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल, स्कोर है 44 रन, जयेश एक बार फिर तैयार। उनकी ये गेंद इस मरतबा निकल गई विकेटकीपर के पास डॉट की शक्ल में। ओवर की समाप्ति 4, स्कोर है 44, 2 विकेट के नुकसान पर। आइए आगे की कहानी सर नबील देवकर की जुबानी। सचिन पवार प्लीज फील्ड सजाना है, क्योंकि बल्लेबाजी आप ही को करना है। नाना स्पोर्ट्स को ऑल द बेस्ट है इस वक्त माहिन भाई देवली के। ये आप देख सकते हैं पापा मुकड़ी डगआउट स्पॉन्सर अफसर रईस, माइकल बेवन ऑफ तलोली, काशिप मुरुमकर डगआउट स्पॉन्सर, तारिक रईस जैलिस के स्पॉन्सर और सेकंड प्राइज स्पॉन्सर आसिफ चिमनाट और तौफीक शेख। थैंक यू इफ्तिकार। बंडी को कंटिन्यू रखा गया है गेंदबाजी के लिए, गेंदबाजी करेंगे कुरुनैन से, जबकि सामना करेंगे बैट्समैन तकदीर माली। तकदीर माली भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं पहली गेंद से। इस बीच ये गेंद पढ़ने के बाद उछाल प्राप्त की थी, शरारतें करती है अक्सर गेंद, हम देख रहे हैं। यह सूस एंड से गेंदबाजी हो रही तो गेंदबाज को काफ़ी मदद मिल रही है, और ये बहुत अच्छा बाउंसर था। बैट्समैन को इस तरह के बाउंसर से बंडी ने हरी झंडी दिखाने की कोशिश की थी। अगली गेंद उठा दिया है, गेंद हवा में, बंडी गेंद के नीचे जाने की कोशिश कर रहे, सेफ लैंडिंग, 1 रन बना, दूसरे के लिए जा रहे। 3 खिलाड़ी अब तक गेंद को उठा रहे जब तक 2 रन पूरे हुए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 1 को 2 में बदल दिया है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ जैलिस का पहुंचा है 46 रन, 5वां ओवर हुआ है, और जैसे ही इनिंग खत्म होंगी अंपायर्स वहीं रुकेंगे और टीम को तुरंत ही अपना फील्ड सजाना है जैलिस को। 46 पर पहुंचा स्कोर, तकदीर सामना कर रहे बंडी का। इस बार लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, पूरी तरीके से गेंद को बल्ले पर नहीं ले पाए, मोटा सिरा लेकर गेंद शॉर्ट फाइन लेग पर, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। देखिए बंडी ने अभी तक बहुत कसी भी गेंदबाजी की है, आजादी बरतने नहीं दिए, पहले ओवर में केवल 3 रन दिए और आप 3 गेंदों पे 3 रन दिए। एक्सलेंट बॉलिंग सोफा, टाइडी बॉलिंग फ्रॉम बंडी। बिल्कुल, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अब तक बंडी। बंडी ने एक सिरे से थामे रखा है गेंदबाजी की कमान को। इस बार अराउंड द लेग्स खेलना चाहते थे, बोल्ड, अच्छी बल्लेबाजी करने के बाद आउट हुए साहिल जूनियर। यस, जब रन नहीं बनते तो इसी तरह का रिजल्ट सामने आता है नबील। ये देखिए, चुनाव सही नहीं था, विकेटों को खुला छोड़ा, बोल्ड हो गए। हालांकि जरा भी दबाव में नहीं थे मेरे ख्याल से साहिल जूनियर, क्योंकि 4 गेंदों में उन्होंने 16 रन बनाए थे,
पांचवी गेंद जब उन्हें स्ट्राइक मिली तो अराउंड द लेग्स खेलने की कोशिश में बोल्ड हो गए नए बैट्समैन कामरान पटेल। इस बल्लेबाज के बारे में क्या कहना, इस विकेट पर हमेशा अच्छी बल्लेबाजी की है इसने। रनों का तूफान कामरान बल्लेबाजी के लिए आए हैं। गीतेश पाटिल देवड़ुंग ने बलवंत दलवी और नाना को ऑल द बेस्ट। ये देखिए डगआउट, यहाँ पर इस डगआउट के स्पॉन्सर VIP पे हैं पापा मुकरी काशिफ मुरुमकर एंड यासिर मुकरी। डगआउट में इत्मीनान से बैठे हुए हैं क्योंकि रन बहुत अच्छे बना लिए। बंडी कुरुनेंट से कामरान के लिए, लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, घूमती हुई गेंद, घूम गए कामरान, डॉट गेंद। इट हैज बीन अ वंडरफुल टाइडी बॉलिंग फ्रॉम बंडी, एक्सलेंट बॉलिंग सो फार, विकेट टू विकेट बॉलिंग ओनली, एक्सलेंट बॉलिंग। कामरान इन ट्रबल इन प्रीवियस बॉल। राम पाटिल ने सचिन पवार को ऑल द बेस्ट कहा है। इस ओवर में रनों को थाम लिया है बंडी ने। बंडी अगली गेंद लेकर कामरान के लिए, स्वंग कर दिया गेंद को, फील्डर बने दर्शक और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन, टावरिंग 6। सितारों की सैर के लिए गेंद को भेज दिया है। आइए देखते हैं टाइमिंग, फॉलो थ्रू सब कुछ था शॉट के पीछे। ओहो, जा रही है, जा रही है, जा रही है, सजनी गई साजन के घर। इस छक्के की मदद से 53 रनों पर पहुंचा है स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर। सामने जो दर्शक है आपने पर्दा पकड़ा है, प्लीज पर्दे पे से हाथ हटा दें। उसामा या तो पर्दे को सही करें प्लीज। अबूसात को गेंदबाजी दी गई है, हालांकि अबूसात का पहला ओवर सिटी क्रिकेट में बहुत महंगा साबित हुआ था। पांच ओवरों की समाप्ति, स्कोर 53 रन, छठा और आखिरी ओवर लेकर आ रहे अबूसात। गेंदबाजी करेंगे VIP एंड से, सामना करेंगे तकदीर। इस बार ड्राइव किया गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में, 1 ही रन। इस 1 रन से स्कोर 54 पर पहुंचा है जालिस स्पोर्ट्स का। और तकदीर इस वक्त 26 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, स्ट्राइक रोटेट किया है कामरान पटेल को। कल दोस्तों पहला मुकाबला आप देखने जा रहे हैं धनेश कुक से बनाम महिंद्रा स्पोर्ट, क्लैश ऑफ टाइटन 9 बजे। लो फुल टॉस गेंद, स्वंग कर दिया है कामरान ने गेंद को, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। इसी के लिए तो मशहूर है कामरान पटेल। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, 8:30 बजे ये मैच रहेगा, धनेश कुक से बनाम महिंद्रा। दूसरा मैच कल सोना देवी टेमगर और बंटी स्पोर्ट के बीच में रहेगा, तीसरा बालाजी और मराठा पंजाब, व्हाट अ मैच। चौथा जय दुर्गा और वकी स्पोर्ट मापोली, पांचवा पॉइनियर और ब्लैक कैप, छठा। इस बार अच्छी गेंद, नीचे बैकलिफ से तेज ड्राइव किया गेंद को, मिड विकेट पर फील्डर मौजूद है, बढ़िया फील्डिंग, तेज थ्रो, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं कामरान के लिए। बढ़ता हुआ स्कोर 61 रनों पर पहुंचा है। अब यहां से जो भी रन बनेंगे डेंजर जोन की तरफ। छठा मैच साइंस कारबा और इस मैच की विजेता, 7वां मैच पहले और दूसरे मैच की विजेता टीमों के बीच में रहेगा। अब साथ मुड़ते हुए सामना करेंगे तकदीर माली। बढ़िया गेंद, चॉप किया है, 1 रन पूरा किया, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं तकदीर के लिए। ये अबूसात की स्पेशल गेंद है जो कि वाइड यॉर्कर करते हैं, हालांकि सीजन का दूसरा ओवर डाल रहे हैं अबूसात। अब उस साथ मुड़ते हुए कामरान के लिए, पैरों के सामने से तेज ड्राइव किया गेंद को, उतनी बढ़िया फील्डिंग, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। ओवर थ्रो दूसरे के लिए जा रहे, खतरा हो सकता है, निशाना चूका, 2 रन पूरे। इन 2 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ 64 रनों पर पहुंचा है जालिस स्पोर्ट्स का,
तीन विकेटों के नुकसान पर। देखिए ये भी नहीं भूलना चाहिए, मातोश्री कप में 78 का लक्ष्य था और सिर्फ 6 रन से मुकाबला हारी थी नाना, वो भी मराठा पंजाब के सामने। जैलीज आपको तुरंत ही फील्ड सजाना है। आखिरी गेंद इस इनिंग की, कामरान सामना कर रहे अबुसात का, अच्छी गेंद, एक रन बनाए ऑन साइड पर। मिड विकेट के फील्डर जब तक गेंद को उठाते बलवंत चूक गए, 2 रन पूरे। तीसरे के लिए जा रहे और रन आउट। 66 रन बने और 67 रनों की चुनौती रखी है जार्लिस स्पोर्ट्स ने नाना स्पोर्ट्स के लिए। हमारे अंपायर साहब को वहीं रुकना है और जैलीज आपको तुरंत फील्ड सजाना है और नाना स्पोर्ट आपको अपने ओपनर्स भेजना है। 67 की चुनौती है, हालांकि नाना स्पोर्ट्स की जो बल्लेबाजी रही है इस सीजन में वो बहुत ही लाजवाब रही है। यश पाटिल हैं, मुकेश हैं, सचिन पवार हैं, बलवंत हैं, आकाश तरे हैं जो कि इन फ्रंट ऑफ द विकेट बहुत अच्छे शॉट्स खेलते हैं, सुजीत पाटिल हैं। तो कहाँ जाएगा कि बल्लेबाजी बहुत ही स्ट्रांग है नाना की, और मेरा अपना मानना है ये मैच बहुत ही कट टू कट रहेगा। 67 रनों की चुनौती इस मैच को जीतने के लिए रखी है जार्लिस स्पोर्ट्स ने नाना स्पोर्ट्स के लिए। आज के दिन का यह आखिरी मुकाबला, किस तरीके से रन बनेंगे मैंडेटरी पावर प्ले में, किस तरीके से होंगी गेंदबाजी, किस तरीके से बल्लेबाजी होंगी, ये आप देख सकते हैं। डगआउट स्पॉन्सर पापा मुकरी, काशिप मुरुमकर, अफसर रईस, तारिक रईस जो कि सेकंड प्राइज स्पॉन्सर हैं, आसिफ चिमना, तौफीक शेख, सभी का इस्तकबाल है। फील्डिंग तुरंत सजाना है जार्लिस स्पोर्ट्स। So, दोनों ही ओपनर्स धीरे धीरे पिच की ओर और माइक्रोफोन पर आ रहे वो आवाज जिनके लिए कुछ शब्द कहना चाहूंगा। सब परिंदों से प्यार लूंगा मैं, पेड़ का रूप धार लूंगा, तू निशाने पे अगर आ भी जाए सिद्दीक बाबे तो मैं कौन सा तीर मार लूंगा। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया नबील दिवकर। इसीलिए तो मैं अक्सर कहता हूँ कि उसको फूलों की भीख मत देना जिसने कांटों में दिन गुजारे हैं, और जीतने वाला कोई अपना था इसलिए हम ये बाजी हारे हैं। तो आइए सुनते आगे की कहानी, द वॉइस ऑफ थाना जिला, सिद्दीक भावे सर की जुबानी। बहुत बहुत शुक्रिया नबील, लौट चलते हैं एकता ट्रॉफी के इस खूबसूरत मुकाबले की तरफ। टू ओपनर्स ऑन द ग्राउंड, आकाश तरे एंड मुकेश, बोथ आर फ्रॉम अंजूर। First ball, Latif pulls it over the infield. One bounce, couple of bounces, cross the mid-wicket boundary for 4. Akash Tare, one of the great stroke player of the mark with boundary. बढ़िया शुरुआत, पहली गेंद पर पॉजिटिव रिप्लाई हम देख रहे हैं आकाश की ओर से। Great shot from Akash of the mark with 4. 4 for no wicket, Nana Sport, Latif. Most of Akash this time is in the air. Oh, he's out. What a taken. What a taken by the fielder in second attempt. Akshay is there and Akash on his way. बहुत बढ़िया कैच, ये देखिए पहले अटेम्प्ट में हालांकि कैच छूटा था लेकिन छोड़ा नहीं, दूसरे अटेम्प्ट में लपक लिया कैच को और आकाश के रूप में पहला झटका लगता हुआ नाना स्पोर्ट्स को। अब देखना है कौन आता है बल्लेबाजी के लिए। नाना स्पोर्ट्स के पास भी बहुत मजबूत बैटिंग लाइनअप है। यस, दे हैव लाइक 8 बैट्समैन इन देयर साइट, बट लतीफ क्लेम द विकेट ऑफ आकाश, बट दिस इज द हाफ विकेट ऑफ अक्षय, वो टेकन आउट स्टैंडिंग कैच।
न्यू बैट्समैन इन अशोक। बीसीसी कभी भी इस अशोक को नहीं भूलेंगी। नबील आपको तो याद है बिल्कुल, और स्पेशली सुफियान शेख। न्यू बैट्समैन अशोक, बट मुकेश, मुकेश लव टू प्ले इम्प्रोवाइज स्ट्रोक। मैन फ्रॉम अंजूर फेसिंग अ लतीफ, फोर फॉर द लॉस ऑफ वन विकेट, चेसिंग अ टारगेट ऑफ 67। लतीफ बॉस टू मुकेश, ड्राइव स्ट्रेट टू बॉलर ऑन इज फॉलो थ्रू एंड देर वेर बी नो रन। अच्छी गेंदबाजी में वापसी हम देख रहे हैं लतीफ की। पहली गेंद पर चौका खाने के बाद दूसरी गेंद पर विकेट और अब डॉट गेंद। लतीफ बॉल दिस टाइम चिप्ड अवे इन द एयर, नोबडी पेट्रोलिंग एट मिड ऑन। कामरान पटेल आफ्टर इट, बट बैट्समैन थ्रू फॉर अ सिंगल। मुकेश ऑफ द मार्क विथ वन एंड स्कोर वाज अप टू 5 फॉर द लॉस ऑफ आकाश विकेट। 67 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही है नाना स्पोर्ट्स। पहली ओवर का खेल जारी है, एक विकेट के नुकसान पर स्कोर केवल 5 रन। लतीफ रीच इज बॉलिंग मार्क, टर्न फ्रॉम फारेन। बॉल दिस टाइम स्लॉग स्वीप, व्हाट अ मैग्निफिसेंट हिट, 6 रन्स। बहुत खूबसूरत स्ट्रोक, और इसी तरीके के स्ट्रोक की जरूरत थी मैंडेटरी पावर प्ले में। दबाव में हल्की सी आ गई थी टीम पहले ही ओवर में, अब वो दबाव को छटा दिया है बल्लेबाज ने छक्का लगा कर। यस लुक लाइक द स्ट्रोक ऑफ स्टीवो, मैग्निफिसेंट आउट ऑफ द पार्क। सो अशोक ऑफ द मार्क विद 6 एंड स्कोर वाज अप टू 11 फॉर द लॉस ऑफ वन विकेट। लतीफ अप टू द विकेट नाउ। Both this time batsman try to play away from his body, white signal from umpire, 1 to score now, score was up to 12. Captain Harish is not happy, but umpire is the best judge. The lines belongs to umpire. Very close call from Shahid Momin, 1 to score now, 12 for the loss of one wicket. This time control pull stroke, but fielder in deep find the ball, in comes return from deep square leg, enough time batsman gets one. That marks end of the first over, 13 for the loss of one wicket. Still neck to net fight. Ek over ki samapti 13 run ek khiladi. Fielding turant lagana hai, jalis is baat ka dhyan rakhe, especially captain. Ye aap dekh sakte hain hamara commentary box bhaiyon aur साहिबा उनके भाइयों, और खूबसूरत आवाज और खूबसूरत अंदाज और खूबसूरत दिखने वाले नबील दिवकर। वीआईपी पे पापा मुकड़ी काशिफ मुरुमकर, साथ ही साथ सेकंड प्राइज स्पॉन्सर तारिक रईस, आसिफ चिमनाट और अफसर रईस। मैच का मजा लेते हुए गेंदबाजी में लगाया गया गेंदबाज मयूर को, सामना करेंगे अशोक। हरेश आपको समय में कॉपरेट करना है प्लीज। हालांकि क्रिकेट में कहा जाता है जितने जल्दी आप अपना ओवर खत्म करते हैं बैट्समैन को मौका नहीं मिलता है कुछ सोचने का। बिल्कुल उसी का कारण तो देख रहे हैं हम भावेश पवार को। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, इस मरतबा दूर से खेलने की कोशिश। गेंद जरूर कटी लेकिन विकेटों के पीछे। भावेश पवार को जब भी आप देखिए भावेश सर बहुत जल्द से जल्द अपना ओवर समाप्त करते, बहुत मान क्रिकेटर है, हर चीज में उनका डिसिप्लिन देखने जैसा रहता है, बहुत फाइटर क्रिकेटर है। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, इस मरतबा फिर से डॉट गेंद। गेंदे स्टंप्स के पीछे ज्यादा कट रही है, यही कारण है कि अंपायर फारूक बर्डी टस से मस नहीं। मयूर दूर रख रहे हैं, कुछ जाके कहा मुकेश ने उनको। इस मरतबा ज्यादा दूर कर बैठे वाइट, एक रन से स्कोर 14 रनों पे पहुंचा है।
कल ठीक 8:30 बजे आप देखने जा रहे हैं वॉर ऑफ टाइटंस, धनेश बनाम महिंद्रा। इस मरतबा फ्लिक, ओ हो क्या शॉट है, 6 रन, शॉट ऑफ इवनिंग, बिल्कुल बहुत खूबसूरत शॉट। और इस सिक्स पर मैं कह सकता हूं बाबे सर के ये लगा छक्का और गेंदबाज हो गया अक्का बक्का। वाकई में अक्का बक्का होना चाहिए गेंदबाज को, जिस तरह से अच्छी गेंद पर ये हेलीकॉप्टर उड़ाया है, क्या शॉट है। और अशोक की दिमाग के क्रिकेट को देखिए, उनको पता था लगातार ऑफ स्टंप के बाहर डाल रहे हैं, वाइड डाली एक गेंद वो स्टंप में डालेंगी, फिराग में थे कि कब गेंद विकेटों में आती है। कमाल के खिलाड़ी हैं अशोक, 20 पे पहुंचा है स्कोर। मैंने पहले ही कहा था कि मैच बहुत ही कट टू कट जाएगा। मैंडेटरी पावर प्ले में हम देख रहे हैं पॉजिटिव रिप्लाई दे रही है अब तक नाना स्पोर्ट्स। मयूर अशोक को घूम के खेला है, कंट्रोल शॉट है, डीप में खिलाड़ी मौजूद, मिड विकेट पर 1 रन आता हुआ, 21 रन, 1 विकेट गंवाने के बाद दूसरा ओवर चलता हुआ। अपने स्टेप में चुके हैं भिवंडी क्रिकेट के माजिद खरबे ने इस वक्त जैलिस तलोली और नाना स्पोर्ट दोनों को ऑल द बेस्ट कहा है। माजिद खरबे के पोस्ट को आप देखते हैं फेसबुक पे पेज रहता है, पूरा अपडेट्स रहता है हर टूर्नामेंट का। इस मरतबा खींच के मारा है गेंद हवा में, कोशिश रहेगा मस्तक पे दस्तक, 6 रन। खरबूजे को देख के तरबूजे ने रंग बदल दिया, ये तो अजीब बैट्समैन है मुकेश, ये इम्प्रोवाइज क्रिकेट खेलने में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। बिल्कुल, अब तक उन्हें गेंदे भी ज्यादा खेलने को नहीं मिली थी, केवल 2 ही गेंद खेली थी उन्होंने और 1 रन बनाया था, तीसरी गेंद पर जड़ दिया छक्का। स्कोर उछलता हुआ इस छक्के की मदद से 27 पर पहुंचा है, अब 40 रनों की अभी भी जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। यहाँ विकेटें लेनी होंगी जैलिस को अगर मैच में रहना है। बहुत दूर से खेलने की कोशिश, लेकिन बकौल अंपायर के गेंद पीछे ज्यादा स्विंग हुई। दो ओवर की समाप्ति, कुल 27 रन, बचे हुए 4 ओवर में 40 रन चाहिए। एक बात है, यहाँ पड़ला तो नाना का भारी है। बिल्कुल, क्योंकि केवल एक ही विकेट खोया है नाना स्पोर्ट्स ने, और मैंडेटरी पावर प्ले में जिस तरीके से रन चाहिए थे उस तरीके के रन बना लिए। ओहो क्या खूबसूरत सनसेट का नजारा आप देख रहे हैं, कैमरा वर्क प्रिंस मूवीज का। मैं वो सूरज हूँ जिसकी ना कभी डूबेंगी किरण, रात होंगी तो सितारों में बिखर जाऊंगा। तीसरे ओवर के लिए कपिल को मोर्चे पर लगाया गया है। कपिल के नहीं, साइड आर्म गेंदबाजी के शहनशाह, पुल हवा में, क्या गेंद मैदान के बाहर, यस 6 रन। स्वागत कर रहे हैं अशोक के शॉट्स को देखिए, बैकलिफ्ट का कितना अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये देखिए क्या शॉट खेला है क्रीज में पीछे जाकर। नबील सूरज पे से याद आया कि चांद में ढलने, सितारों में ढलने के लिए मैं तो सूरज हूं, बुझूंगा भी तो निकलने के लिए, और मैं वो मौसम हूँ अभी ठीक से छाया भी नहीं, साजिशें होने लगी मुझको बदलने के लिए। क्या बात है, बहुत खूब। कपिल केने, इस मरतबा अंपायर शाहिद मोमिन का इशारा वाइट।
34 रन। अशोक को आउट, बहुत बढ़िया कैच, विकेटकीपर कैप्टन हरेश का बहुत तेज सिरा लेकर गेंद आई थी, जम करके कैच को पकड़ा, बहुत बढ़िया कैच और बड़ी विकेट हासिल हुई अशोक के रूप में इस वक्त जार्लिस को, जम करके कैच को अंजाम दिया बिल्कुल। ये देखिए एक मैसेज है कैफी चपड़बंद की तरफ से, जैलिस तलोली को ऑल द बेस्ट। नए बल्लेबाज बलवन आ रहे बल्लेबाजी के लिए, इन्होंने भी ग्रामीण गढ़ से इस विकेट पर बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है। सचिन पवार है तो पॉसिबल है कि मैच नाना जीते, ये कहना है नरेंद्र गजानन चौधरी और करसन सेठ का। आसिफ रंगरेज ने कमेंट्री और अंपायरिंग पैनल को मुबारकबाद दी है। गेंदबाजी कर रहे हैं आखिरकार कपिल केने ने विकेट हासिल कर लिया। नए बैट्समैन बलवंत दलवी आए हैं टीम के कैप्टन, आते ही मारने की कोशिश, गेंद पीछे निकल गई, चार रन बाई के बैट्समैन बीट विकेट कीपर कप्तान हरेश केने बीट। तोहफे के तौर पर मिले मानो ये चार रन नाना को, इस चौके की मदद से स्कोर 38 रनों पर पहुंचा है। अब खतरे की घंटी बजती हुई जैलिस के लिए, क्योंकि स्कोर 38 पे पहुंचा है, काफी लंबा बैटिंग लाइनअप आना बाकी है। इस मरतबा हुक करने की कोशिश, अच्छी गेंद कट के अंदर की जानी बाई थी, अभी भी नेक टू नेट फाइट हो रही है, 67 का लक्ष्य है, 38 बने हैं, तीसरा ओवर चल रहा है, मुकेश कुछ समझाने जा रहे हैं। बहुत बाहर कर बैठे वाइट, 39 रन हुए हैं। इस मरतबा कट किया है, खाली क्षेत्र में गेंद सड़क रही है, चार रन, टिपिकल शॉट खेला है बलवंत ने, ये देखते हुए कि बैकआउट ऑफ द पॉइंट है, थर्ड मैन पे कोई खिलाड़ी नहीं है, शॉट वाइड एंड पनिश्ड। 43 रनों पर पहुंचा है स्कोर इस चौकी की मदद से। आकाश दलवी ने बलवंत दलवी और नाना को ऑल द बेस्ट कहा है, अब 43 रन हुए हैं और 24 रन और चाहिए, अब खतरे की घंटी बजती हुई जैलिस के लिए। कपिल केने पिछले सीजन में बहुत इफेक्टिव थे, इस मरतबा गेंद को मोड़ दिया ऑन साइड में, खिलाड़ी डीप में मौजूद, एक रन, ओवर समाप्त होते हुए 3, कुल स्कोर है 44, 18-23 का इक्वेशन है, और इक्वेशन कुछ भी रहे लेकिन नबील दिवकर ने हमेशा अपनी कमेंट्री के इक्वेशन को हमेशा साबित किया है, चाहे वो कोई भी कप रहे। आज भी वो वीडियो बहुत ही फेमस है यूट्यूब पे, जो बाली ट्रॉफी 2017 का बिलाल शेख की बल्लेबाजी का है, जिसमें 7 महीने दिया था, कमेंट्री नबील ने की थी। इस टाइट मैच की कमेंट्री के लिए आइए नबील देवकर। थैंक यू भावेश सर। 3 ओवरों की समाप्ति है, स्कोर इस वक्त 44 रन। चौथे ओवर के लिए चेतन को मोर्चे पर लगाया गया है गेंदबाजी के लिए, जबकि सामना करेंगे बलवन। 18 गेंदे 23 रन, मैच धीरे धीरे हाथ से फिसल रहा है जार्लिस के। लो फुल टॉस गेंद, लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, लेग बिफोर किया, अपील, अंपायर का इशारा आसमान की ओर, आउट, इन द एयर बीट किया था वहां पर बैट्समैन को, हवा में चकमा खा गए थे। ये देखिए बिल्कुल विकेटों के सामने कोई दुविधा नहीं, फारूक बर्डी के दिल में, आउट हो गए बलवंत। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आ रहे हैं यश पाटिल, ये भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए काफ़ी जाने जाते हैं, लेकिन कैप्टन आउट होके जा रहे हैं। मैच 17 गेंदे 23 रन, बराबरी पे छूटा तो सुपर ओवर।
नए बैट्समैन यश पाटिल आ रहे बल्लेबाजी के लिए। चेतन सामना करेंगे यश पाटिल। चेतन वीआईपी एंड से अच्छी गेंद, बॉल और बैक ड्राइव, अपील कॉट एंड बॉल की, देखना है क्या कुछ हुआ है उस 100 में ज्यादा। यस अंपायर का इशारा आउट। आइए देखते हैं किस तरह से यश पाटिल आउट हुए थे। यस पहले तो लगा था कि कहीं ना कहीं पहला बाउंस हो, लेकिन गेंद सीधी चली गई थी बल्ले की जड़ से लगने के बाद बॉलर के हाथ में। हैट्रिक पे आ गए, एकाएक चेतन ने छोटा चेतन का रोल अदा किया है, हैट्रिक पे आ गए। नए बैट्समैन सुरई एक्सप्रेस सुजीत पाटिल आए। सुजीत सामना करेंगे चेतन का, फिर एक बार अच्छी गेंद, ब्लॉक हॉल में गेंद थी, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। नबील सबसे बड़ी बात है कि चेतन वेरिएशन पे ध्यान दे रहे हैं, उनको पता है कि क्लाइमेट थोड़ा ठंडा हो गया है और गेंदे बल्ले पे उतनी आसानी से आएंगी नहीं। बिल्कुल, और अब तक जो गेंदे किए उन्होंने बैकलिफ को ऊंचा करने का मौका नहीं दिया बल्लेबाज को। चेतन इस बार अच्छी गेंद तेज निकल गई थी पढ़ने के बाद विकेट कीपर के पास डॉट के रूप में। मैच में वापस खींच लिया जैलिस को चेतन ने, 4 गेंदों में केवल 1 रन और 2 विकेट। बहुत बढ़िया गेंदबाजी अब तक चेतन की, जिस तरीके की गेंदबाजी की जरूरत थी उसी तरीके की गेंदबाजी कर रहे चेतन अब तक। 4 गेंदों में 2 विकेट लिए, केवल 1 ही रन दिया है। मुकेश सामना कर रहे, फिर एक बार अच्छी गेंद, फिर एक बार बीट किया। देखिए आप विकेट कीपिंग राजू कर रहे हैं इसलिए काफी करीब खड़े हैं वो। अब दबाव नाना स्पोर्ट पर बढ़ता हुआ, 13 गेंदे 22 रन, क्या कहेंगे बाबे सर? 3 ओवर में कहां 23 थे और 13 गेंदों पे कहां 22 आ गए, इसलिए क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल कहा गया है। फिर एक बार अच्छी गेंद, खींच के मारना चाहते थे, बीट हुए मुकेश, डॉट गए रह जाओगे। मुकेश के बल्ले के करीब से गेंद गई है, बिल्कुल रिप्ले में दिखाया जा रहा है, बल्ले के बिल्कुल करीब से गेंद गई है। अक्सर औकात हम देखते हैं टेनिस क्रिकेट में भिवंडी के बैट्समैन टाइट सिचुएशन में अगर बीट होता है तो अंपायर की तरफ देखता है, तुरंत फील्ड सजाना है, 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना है, फील्डिंग तुरंत सजाना है। जार्लिस स्पोर्ट 3 ओवर 4 ओवरों की समाप्ति, स्कोर अब थम सा गया है मानो नाना स्पोर्ट्स का, 45 रनों पर 12 गेंदे और 22 रन। देखिए राजू आपको कहीं भी नहीं जाना है, फील्डिंग तुरंत सजाना है, कोई मिडल कॉन्फ्रेंस नहीं। तारिक रईस के चेहरे पे अब इत्मीनान आ गया है चेतन के ओवर के बाद। राजा थोड़ाट भी है वहां पर। कपिल केने को बुलाया गया है क्योंकि वो मेन ट्रम्प कार्ड गेंदबाज है, उनको कंटिन्यू रखा है क्योंकि इस ओवर में मैच फिसल सकता है। ये ओवर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कपिल दूर वाले एंड से खेल दिया गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से, कोशिश बहुत बढ़िया लेकिन नाप तोल के मारा हुआ 6। क्या शॉट खेला है सुजीत ने, अच्छी गेंद पर खोद के निकाला था
आइए देखते हैं, बहुत मुश्किल शॉट। ये देखिए यॉर्कर लेन गेंद को खोद के निकाला, टिपिकल सुजीत पाटिल स्ट्रोक। इस छक्के की मदद से इसको उछलता हुआ 51 रनों पर पहुंचा है। 11 गेंदों में कितने रन चाहिए साहिबा? 16। अभी भी मैच बना हुआ है। सिटी क्रिकेट का इस सीजन का जो क्रिकेट है वो बहुत ही अलग है। इस बार तेज गेंद ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर, वाइड गेंद। स्कोर में एक रन से इजाफा होगा, बढ़ता हुआ स्कोर 52 पर पहुंचा है। अब 11 गेंदे और 15 रन। पिछले सीजन के दो मैन ऑफ द सीरीज पाए थे कपिल केने ने। कपिल मुड़ते हुए, अच्छी गेंद, घूमती हुई गेंद, घूमते रह गए बैट्समैन सुजीत। अच्छी वापसी की है वहां पर। 10 गेंदे 15 रन। ये देखिए मोमेंट था वहां पे टिप्पा खाने के बाद, लेंथ गेंद थी। कपिल सुजीत के लिए, इस बार स्लॉग स्वीप करने की कोशिश, गेंद हवा में, फील्डरों से दूर टप्पा खाती हुई, जब तक गेंद को उठाते दूसरे के लिए निकल पड़े। देखना है क्या होता है, आसानी के साथ 2 रन पूरे किए। हालांकि थोड़ा लेट स्टार्ट लिया था वहां पे सुजीत ने, 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने। 9 गेंदों में 13 रन चाहिए, मैच और क्लोज होता हुआ। 9-13 का इक्वेशन। सिटी क्रिकेट के जो मैचेस हो रहे हैं वो बहुत ही कट टू कट हो रहे हैं। इस बीच ये गेंद स्वंग कर दिया है गेंद को, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। थप्पड़ शॉट, चाबुक चला दिया था वहां पे सुजीत ने। क्या शॉट खेला है, मूड बना रहा है। ये देखिए खींच के मारा पुल और पावरफुल, 6 रन। इस छक्के की मदद से स्कोर 60 रनों पर पहुंचा है। अब जीत से दूर जाती है इस वक्त जालिस स्पोर्ट्स। 8 गेंदे और 7 रन। हमारे स्पॉन्सर तारिक रईस का कटआउट दिखाया जा रहा है, लेकिन जालिस कटआउट नहीं बल्कि कठिनाइयों में। कितनी गेंदे कितने रन, 8-7 का इक्वेशन। खेल की शुरुआत करना है क्योंकि अब रोशनी धीरे धीरे कम हो रही है। कपिल केने जो रेस के घोड़े रहे थे जालिस के पिछले सीजन में, पहले ओवर में 17 और इस ओवर में महंगे, इस मरतबा गेंद को मोड़ दिया स्क्वायर लेग पर, 1 रन बनाए, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। 7 गेंदे और 6 रन। कपिल मुड़ते हुए मुकेश के लिए, इस बीच अगेन लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गेंद हवा में, कपिल गेंद के नीचे दूसरे के लिए जा रहे, लड़खड़ाती हुई फील्डिंग और 2 रन पूरे। कैच भी छूटा और 2 रन भी दिए। अब आखिरी ओवर में कितने रन चाहिए साहिबा? सिर्फ 4 रन चाहिए और जरूरत है इस वक्त जालिस को सचिन तेंदुलकर की। 2 ओवर में कपिल केने ने 35 रन दे डाले। आपका फ्रंट लाइन बॉलर अगर इतने रन खर्च करता है, पिछले सीजन के कम से कम 15 मैचेस ऐसे थे जहां पे उन्होंने 10 रन भी नहीं दिए थे अपने 2 ओवर के कोटे में। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। और बहुत चेंजेस, तो आपने सही कहा कि BC4 फॉर्मेट सिटी क्रिकेट में, दुनिया में भी बहुत चेंजेस हो रहे हैं, मौसम बहुत बदली हो रहा है। ये देखिए डगआउट में बहुत इत्मीनान, यासिर मुकरी, पापा मुकरी और काशिप मुरुमकर डगआउट में इत्मीनान है। कासिम बाबू बहुत रिलैक्स नजर आ रहे हैं। चेतन को लगाया गया है।
इस बीच अगेन लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गेंद हवा में जरूर थी लेकिन अभी भी कोई फील्डर कैच नहीं कर पाया। 22 का इशारा अंपायर का। देखिए चेतन अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं लेकिन फील्डरों का साथ नहीं मिल रहा है। ये कीमती रन दे डाला विकेट कीपर राजू ने। चेतन मुड़ते हुए सामना करेंगे मुकेश। रिवर्स स्ट्रोक, अभी भी गेंद हवा में थी, रन आउट की अपील, एक रन पूरा हुआ है, देखना है क्या कुछ हुआ है। एक बात है कि नसीब का पूरा पूरा साथ नाना स्पोर्ट के साथ लग रहा है। कैच भी पहले बाउंस पे पकड़ा गया, थ्रो भी लगा लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया, बल्ले को स्लाइड कर चुके थे बैट्समैन। अब केवल 2 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए 4 गेंदों में। इस बार ऑफिस टाइम से बहुत ज्यादा बाहर रखा था, यस वाइड घोषित किया अंपायर ने। स्कोर अब लेवल हो चुका है, यहां से नाना स्पोर्ट हार तो नहीं सकती है। 1 रन चाहिए नाना स्पोर्ट्स को कल साइंस स्पोर्ट खारबाओ से टकराने के लिए। गेंद को खेल दिया सीधा 4 रन। इसके साथ ही आज की शाम टाइगर ऑफ टेमगर सतीश चौधरी, प्रदीप चौधरी और नाना स्पोर्ट्स के नाम हार्ड लक तारिक रईस, हार्ड लक जैलिस, कैप्टन हरेश केने एंड कॉन्ग्रेचुलेशन बलवंत, सचिन पवार एंड ऑल नाना टीम। आइए इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं। मैन ऑफ द मैच 2 थे लेकिन मैन ऑफ द मैच है सुरई एक्सप्रेस सुजीत। सुजीत पाटिल आपको मैन ऑफ द मैच के लिए जल्दी आना है। अभिनंदन द टाइगर ऑफ टेमगढ़ सतीश चौधरी, प्रदीप चौधरी एंड ऑल नाना स्पोर्ट्स द कैप्टन बलवंत, हार्ड लक जैलिस। सुजीत पाटिल इज द मैन ऑफ द मैच। व्हाट अ इनिंग ही प्लेड। आइए सुजीत पाटिल, हम आपको सबसे पहले तो वो ट्रॉफी दे रहे हैं जो रिच एंड रॉयल मैन काशिफ नाचन ने हमें स्पॉन्सर किए।